कल राहुल गांधी ने एक मंच से कहा था कि हम एक नकारात्मक शक्ति से लड़ रहे हैं। इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ की धरती से जमकर पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के हर शब्द का जवाब दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की बात कही थी, पर मैं शक्ति की रक्षा के लिए जीवन खपा दूंगा। न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नकारात्मक शक्ति का मुखौटा है, देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति इंडिया की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती। हम किसी व्यक्ति से नहीं शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में शक्ति को लेकर क्या कुछ कहा था वो आपको दिखा देते हैं। ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं।